नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो 2019 में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाया गया था, वो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जायज़ है, और राष्ट्रपति का जो उस पर एक नोटिफिकेशन आया था वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने उस प्रक्रिया को सही ठहराया है। इस बहाने पूरे देश में एक चर्चा होगी कि ये 370 क्या है और क्यों इसको, जो 23 पिटिशन इसमें आई थी जिसमें तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था कि वहाँ आर्टिकल 370 नहीं लिखना चाहिए, उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, तो उस पर इसको एक बहाने थोड़ा सा आपसे इस बारे में चर्चा हो जाए। देखिए, हमारा देश आप सबको पता है कि पहले मुग़लों का गुलाम रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त हमारे देश में 565 रजवाड़े थे, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, और इन 565 में से 563 तो भारत के हिस्से हो गए, लेकिन 3 ऐसे जो स्टेट थे जिन्होंने भारत का हिस्सा होने से मना कर दिया था। उसमें एक हैदराबाद का निज़ाम था, एक जूनागढ़ का निज़ाम और एक जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह, इन तीनों ने कहा कि हम अलग रहेंगे भारत से। तो निज़ाम को, जो ये दोनों निज़ाम यानी हैदराबाद के निज़ाम और जूनागढ़ के निज़ाम को, तो भारतीय सेना ने हिंदुस्तान से भगा दिया था, क्योंकि उन्होंने आक्रमण किया और उनका जो हिस्सा था उसको भारत में मिलाया, क्योंकि वो भारत के पार्ट हुआ करते थे। ये तो अंग्रेज़ों ने निज़ाम बनाए थे, मुग़लों ने वहाँ जो उनके सपा सालार थे उनको वहाँ हेड बना दिया था, तो इसलिए उनको भारत में शामिल कर लिया। जम्मू और कश्मीर को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हिंदू राजा थे, उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, तो उनको कहा कि आप रहिए। लेकिन 1947 में ही, जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, और पाकिस्तान का जो अटैक था वो छद्म युद्ध था, यानी कबीले के रूप में वहाँ युद्ध हुआ, और उन्होंने जो POK है आज, वहाँ से युद्ध शुरू किया, और धीरे धीरे वो कश्मीर से जब जम्मू की तरफ आने लगे, तो तब राजा हरि सिंह भारत सरकार के पास आए, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास, कि हमको बचाइए नहीं तो पाकिस्तान हड़प लेगा। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ सेना भेजी और सेना ने जम्मू पंजाब की तरफ से आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर पहुँची, और आज जो कश्मीर का हिस्सा है उस सारे हिस्से को लेते हुए, और जहाँ POK है वहाँ जब सेना पहुँची, वहाँ तक सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था, लेकिन उसमें जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और वहीं सेना रुक गई, तो वो फिर आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में, यानी POK पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बाकी हिस्सा भारत में रह गया। और इसमें ही एक बहुत बड़े योद्धा हुए, जिसको हम कहते हैं शेर ऑफ नवसारी, नौशेरा। तो ये तो ये जो युद्ध हुआ, उसके युद्ध में आधा कश्मीर पाकिस्तान में गया, आधा हिंदुस्तान में गया। उसके बाद हरि सिंह ने फिर जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कश्मीरी थे, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है, बन जाएगा, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, उसको अक्षुण रखिए, मतलब उसको कोई, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, और हम अपने इंडिपेंडेंट रहें, भारत का हिस्सा होते हुए हम इंडिपेंडेंट रहें। तो जवाहरलाल नेहरू मान गए और वहाँ आर्टिकल 370 लगाया गया, यानी जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 है, उसका प्रोविज़न है, उसमें लिखा गया है कि टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल स्टेटस, तीन बातें लिखी गई है। एक तो टेम्प्रोरी यानी अस्थाई, ट्रांजिशनल यानी जो फेज़ जिसमें हम परिवर्तन करते हैं, और तीसरा स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का उसको दर्जा दिया गया है। तो इन तीन कारणों से, और उसे क्योंकि टेम्प्रोरी है, तो टेम्प्रोरी 370 और 370 के आसपास की ABCD होती है, 371 होता है, 372 होता है, वो उन स्टेटों में लगाया जाता है, उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ अशांति हो, जहाँ ऐसा लगे कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ सेना भेजनी चाहिए, उनका अधिकार जो है लेना चाहिए और अपने हाथों में रखना चाहिए, तो वहाँ 370, 371, 372 लगता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाए, तो वहाँ बहुत सारे हिस्सों में 371 लगा हुआ है, कहीं जो है आपसपा लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी इससे पहले आपसपा लगा हुआ था, तो वो 370 लगा था, लेकिन वो हटा नहीं पाए जवाहरलाल नेहरू, और वो कंटिन्यू चला रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब वहाँ आतंकवाद ने सिर उठाया और बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तो उसके बाद ये जो भारतीय जनसंघ, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ,
जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इस बात को सबसे पहले कहा था कि 1952 में 17 नवंबर 1952 से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। पहले तो स्पेशल स्टेटस था, लेकिन 1952 से कि अब वो भारत का हिस्सा हो गया, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी ये मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वहाँ एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो संविधान कैसे हो सकते हैं? यानी जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको प्रधानमंत्री कहते थे, वहाँ शेख अब्दुल्ला सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनसे कहा प्रधानमंत्री क्यों कहेंगे आप? प्रधानमंत्री तो देश का एक है, दो नहीं होने चाहिए, और निशान भी यानी झंडा जो तिरंगा है वो भारत का है, और वहाँ का झंडा अपना अलग था, और इस तरह से वहाँ का अपना संविधान है, वहाँ का IPC जो हमारे देश में IPC लागू होता है, वहाँ दूसरा शरीयत कानून लागू होता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो शहीद हुए थे, उन्होंने जो शहादत दी थी, उसके आज इतने सालों बाद, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे वो भी इस वायदे को पूरा नहीं कर पाए थे, और नरेंद्र मोदी ने ये वादा पूरा किया, और वो 6 और 7 अगस्त को भारत के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ विधानसभा भी है, लेकिन उसके चुनाव इसलिए नहीं हुए कि वहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, अब डिलिमिटेशन हो गया। इसी लोकसभा में अभी 3 दिन पहले ही यहाँ से डिलिमिटेशन का जो प्रस्ताव था, यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो पास हो गया है, और उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में जो पहले 83 विधानसभा की सीटें थी उनको बढ़ाकर 90 सीटें कर दी गई हैं। इन सीटों में 24 सीटें, यानी 90 प्लस 24, वो 24 सीटें POK के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 5 सीटें रिजर्व हैं जो जम्मू कश्मीर के जो पंडित भगाए गए थे वहाँ से पलायन कर गए थे, उनके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, और 2 सीटें जो POK से, 1 सीट जो POK से लोग आए हैं उनके लिए, और 2 सीटें और रिजर्व हैं, नॉमिनेटेड है। तो इस तरह से व्यवस्था हो गई। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या 370 वहाँ से हटना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो संविधान पीठ थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो सरकार ने डिसीज़न लिया है बहुत सही डिसीज़न लिया है, और इस डिसीज़न में कोई दिक्कत नहीं है, और जो राष्ट्रपति ने ये एक रेजोल्यूशन पर साइन किए थे वो जायज़ है, संवैधानिक है, और वहाँ 370 हटना कोई गैर कानूनी नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 370 हटने से वहाँ लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोगों की आकांक्षाएं थी, वो पूरी हुई हैं, और जो जम्मू कश्मीर के लोग जो अभी अलगाववाद के शिकार थे वो कम से कम वो भारत का अटूट हिस्सा हो गए, यानी जो यूनाइट इंडिया है वो हो गए। तो ये जो 370 है, इससे जम्मू कश्मीर में देखिए आप कि भारत के जितने कानून हैं वहाँ लागू हो गए, भारत की जितनी वेलफेयर स्कीमें वहाँ लागू हो गई, भारत के जितने रिजर्वेशन हैं तो वहाँ लागू हो गए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के बाकी लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेंगी। तो 370 तो एक बाधा बना हुआ था जो जम्मू कश्मीर को बाकी देश से अलग कर रहा था। ये बहुत अच्छा एक काम हुआ नरेंद्र मोदी ने पहले हटाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा दी है। मित्रों, अगर आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिए, मैं इस पर और सफाई देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।